एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है, आज फ्राइडे है और अभी जो है दोपहर का 1 बज रहे हैं। तो हम लोग अभी नीचे गए थे क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत नारियल मुझे लेना था, नारियल ख़त्म हो गई थी। और आज जो है राजा का सेकेंड डे है। तो जो भी मेरे उड़ीसा की फ्रेंड है, तो विश यू हैप्पी राजा टू ऑल। तो बहुत सारा मजा करना क्योंकि राजा जो होता है ना, 3 डेज के लिए हम लोगों को छुट्टी मिलती है, कुछ भी काम करने का नहीं होता है, सिर्फ प्ले मीन्स खेल खेलना होता है, साथ ही साथ बहुत सारा मिठाई खाना होता है। इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का सेलिब्रेशन करते हैं, बट मैं तो यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कुछ भी सेलिब्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है। बट हम लोग जो उड़िया जो ग्रुप है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सैटरडे संडे कुछ प्लान बनाए, जैसे कि हम भी, हमको भी लगेगा थोड़ा बहुत हमने राजा को सेलिब्रेट किया है। तो दीदी और मैं अभी नीचे गए थे और नीचे जाकर थोड़ा बहुत सब्जी हम लेके आए। और यहाँ पर जो नीचे मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी राशन वगैरह नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर सब कुछ मिलता है, मीन्स ईच एंड एवरी जो चीज़ें हैं वो मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जब मैं रहती थी तो हस्बैंड जाके सारे सब्जी वगैरह राशन वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, बट छोटे छोटे चीज़ों को अलग अलग से शॉपिंग करने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। तो बेबी अभी नहा चुकी है और ये जो है मेरा एक नया सलवार सूट है, ये मैंने होम टाउन से लाई थी। अगर आप मेरे होम टाउन का वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये ड्रेस मैंने होम टाउन से लिया था। तो इस तरह से चल रहा है। अभी हम लोग लंच बनाएंगे। लंच में आज कुछ ज़्यादा नहीं कि क्योंकि आज जो है संक्रांति है और संक्रांति के दिन में हम लोग जिंजर गार्लिक और ओनियन इस तरह से नहीं खाते, पूरा सादा तरीके से खाते हैं। तो बेबी जो है यहाँ पर घूम रही है। हाय मामा, हाय हाय हाय। सो चलिए फिर किचन में जाकर आपसे बात करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ करी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आज हम लोग ओनियन और गार्लिक नहीं खा रहे हैं, यानी नॉनवेज भी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो जो भी हमारा खाना बनेगा वो अच्छा बर्तन से बनता है और साथ ही साथ बहुत ही सादा तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, साथ ही साथ थोड़ी सी करी लीव्स डाला है और कूट के थोड़ा सा जिंजर डाला है और बहुत सारे टमाटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 2 बड़े टमाटर मैंने चॉप करके इसको इसमें डाला है। ये सॉफ्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ बहुत सारे गर्म मसाले डाल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कट किया हुआ वेजिटेबल डाल दूँगी और आप इसमें सारे वेजिटेबल को यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो है बैंगन और आलू और चना दाल। चना दाल को मैंने 15 मिनट्स के लिए भिगो दिया था पानी में और यहाँ पर जो है सासुमा नारियल को फोड़ के फिर नारियल को कट कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ डेजर्ट बना सकते हैं उसमें। तो ये सारे सब्जी डालने के बाद, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें बहुत सारे पानी डाल दूंगी और ढक्कन लगा के 10 टू 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में मैं इसको बॉईल होने दूंगी। और ये अच्छे से बॉईल होने के बाद आलू और बैंगन जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए मेरा करी बिल्कुल रेडी है और साथ ही साथ मैंने लिया है दही, और दही में मैं चीनी डालकर हमेशा खाती हूँ, तो थोड़ा सा दही चीनी लिया है। और ये है आम और टमाटर की चटनी भी यहाँ पर है, मैंने इसका रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो राइस और दाल है। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं लंच करके आई हूँ और अभी जो टाइम हो रही है वो है 3 o'clock। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं क्योंकि बेबी जो है थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा करती थी और पता नहीं आज को उसका तबीयत आई थिंक ठीक नहीं है, उसको थोड़ा बहुत कोल्ड लगेगी, तो इसी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ करके वो अभी सोई है। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए आ गई हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए। एडिट तो थोड़ा बहुत मेरा हो गया है और थोड़ा काम है 15 to 20 minutes के लिए। एक वीडियो को पोस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे कुछ स्वीट्स बनाने के लिए, क्योंकि राजा में स्वीट्स जो है बहुत ही ज़्यादा खास होता है। सब लोग राजा में स्वीट्स खाते हैं और हम लोग राजा में कुछ भी काम नहीं करते हैं, यानी पूजा भी नहीं करते हैं और साथ ही साथ मिट्टी में नहीं चलना होता है, बहुत सारा इस तरह से रीति रिवाज है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है अभी, बट बचपन में वह जब छुट्टी थी तो बहुत अच्छे से रीति रिवाज को हम लोग फॉलो करते थे। और रोजों में
डोली जो है, डोली मीन्स स्विंग, स्विंग जो है मोस्ट होता है, बहुत बड़े बड़े आम का पेड़ में रस्सी लगा कर स्विंग बनाया जाता था, तो हम लोग बहुत ही झूला से झूलते थे। तो बहुत सारा इस तरह से मेमोरी आज मेरे याद आ रही है, भी तो है मेरे पास, इन लॉज भी है, तो मैंने सोचा कि कोई स्वीट डिश बनाकर हम लोग घर में ही थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और जिस तरीके से मैं करी बनाया, जो करी था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर आपको जिंजर गार्लिक पसंद नहीं है या ओनियन पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से करी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लंच करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया था डेजर्ट हम लोग आज बनाने वाले हैं, तो इसको उड़ीसा में हम लोग पोड़ो पिठा बोलते हैं। तो खाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और उड़द दाल और चावल से ये बनता है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी सुबह ही उड़द दाल को भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक गिलास उड़द दाल में हम लोग दो गिलास चावल डालने वाले हैं। तो उड़द दाल को यहाँ पर मैं पूरा पीस रही हूँ, यानी ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ये इसका रेसिपी मुझे पता नहीं है, ये सिस्टर इन लॉ बना रहे हैं। तो ये देखिए बैटर जो है इस तरह से होना चाहिए। तो इसको मैं अभी निकाल लूँगी और साथ ही साथ ऐड करूँगी दो ग्लास चावल की आटा। मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप उड़द दाल के साथ ही दो ग्लास चावल को भिगो कर आप ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना कर भी यूज़ कर सकते हैं। बट चावल का आटा डालने से जो जो डेजर्ट है, जो कि पोड़ो पिठा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से मैं ये दो गिलास चावल का आटा डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करूंगी। चावल का आटा डालने के बाद दीदी जो है यहाँ पर थोड़ी सी नमक डाल रहे हैं। नमक ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वीट डिश है तो नमक का आप स्किप कर सकते हैं। और उसके साथ दीदी जो है थोड़ा सा यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर यहाँ पर डाल देना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस तरह से नारियल। नारियल को जो है हमने छोटा छोटा पीसेस में कट कर दिया है। नारियल ये डिशेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप चाहे तो नारियल को पूरा कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। और ये जो पिठा की रेसिपी है, यहाँ पर ये हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। बट टेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो। इसके डालने से बहुत ही अच्छे से एक खुशबू आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं गुड़, यानी जागरी। और ये जागरी जो है खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। साथ ही साथ शुगर डालने का जो टेस्ट होता है जागरी से, जो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको जितना मीठा पसंद है उसी हिसाब से आप जागरी डाल सकते हो। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में जागरी था, तो यहाँ पर जो है करीबन मैंने 50 to 100 grams या 75 grams यहाँ पर जागरी डाली है। यानी अगर आप कप में मेजर करेंगे तो 1 cup जागरी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, उसको डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है। और हाथों में आपको मिक्स करना है, क्योंकि हाथों में मिक्स करने से जो कि फर्मेंटेड होता है, जो उड़द दाल और चावल का जो मिक्सचर फर्मेंटेड होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि ये जो पिठा बनता है फर्मेंटेड बैटर होने के बाद ही बनता है। तो आप इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हाथों में इस तरह से आपको मिक्स करना है, फिर उसके बाद ढक के उसको 3 to 4 hours तक छोड़ देना है। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर एक कुकर में हम लोग बैटर को ऑलरेडी डाल रहे हैं। और ये जो पिठा बनता है, आप इसको घी से बना सकते हैं और नहीं तो आप ऑयल डाल के भी बना सकते हैं। तो दूसरे साइड आपको जो कुकर दिख रहा है, इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल डाल के पिठा को ऑलरेडी रख दिया है। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ मुझे बोल रहे हैं कि घी से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और उसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें 4 to 5 teaspoon इसमें घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है, घर में ही मैंने बनाया था। तो ये घी डालने के बाद, घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें ये बैटर डाल देना है। बैटर डालने के टाइम पर पूरा फ्लेम को आपको हाई रखना है, क्योंकि
बैटर डालने के बाद जो कि एक साउंड पूरा एक साउंड देगा, जैसे कि हम लोग पानी ऑयल में कुछ पानी थोड़ा सा डालते हैं जिस तरह से साउंड करता है उसी हिसाब से ये साउंड करेगा। तो आप पूरा अच्छे से घी गर्म हो जाने के बाद आप इसमें बैटर डाल देना है, और बैटर को डालने से पहले आप दो इलायची भी डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इलायची से खुशबू जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डालने के बाद मैं बैटर को डाल दूंगी, और ऑलरेडी मैंने ऑयल वाला जो है पिठा को ऑलरेडी कुकर को खाने के लिए छोड़ दिया है। तो ये है घी का पिठा, और घी का पिठा मैं आपको सजेस्ट करूंगी बनाने के लिए क्योंकि घी का पिठा जो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, साथ ही साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये बैटर डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए और भी थोड़ा नारियल आप डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं या बादाम डाल सकते हैं। तो मैं इस मिक्सर के ऊपर थोड़ा सा मैंने काजू डाला है, थोड़ी सी आलमंड डाला है और थोड़ी सी नारियल डाला है, और इसी तरह से ही ऑयल का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। आप ऑयल का घी के जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 4-5 टीस्पून के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरे मदर इन लॉ यानी माँ जो मुझे यहाँ पर इस तरह से करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि मैं ये पिठा को आज फर्स्ट टाइम किया है, तो देखते हैं किस तरह से मैं बना पाती हूँ। और वो लोग मुझे इस तरह से ही टीच कर रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं कोई नया रेसिपी सीख लेती हूँ ना तो मेरे अंदर बहुत एक खुशी फील होती है मुझे, और नेक्स्ट टाइम करने के लिए भी मुझे एक इच्छा होती है। तो ऑलरेडी हमने दो कुकर में दो पिठा को रेडी कर दिया है। तो ये है जो है ये ऑयल का पिठा है। तो आप होने के बाद आपको 20 मिनट्स के लिए पूरा स्लो फ्लेम के वेट करना है, और वेट करने के बाद आप फोक को थोड़ा सा अंदर डाल के आप चेक कर सकते हो, अगर बैटर फोक पे लगता है तो पिठा हो गई है, पिठा नहीं हुआ है, अगर नहीं लगता है तो पिठा हो गई है। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ऑपोजिट बोल दिया है, थोड़ा सा गलत बोल दिया है। तो इस तरह से आप फोक या टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हो, और ऑलरेडी जो ऑयल वाला पिठा है हो गई है। तो हम इसको ठंडा करने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ अपम, क्योंकि रजा में हम लोग रात में राइस और दाल नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा टिफ़िन का आइटम बना रही हूँ, जैसे कि ब्रेकफास्ट में हम लोग जो भी खाते हैं वो रात को भी वही खाएंगे। तो सूजी को मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, थोड़ा सा करी लीव्स चॉप किया हुआ करी लीव्स, और साथ ही साथ थोड़ा सा ओनियन यहाँ पे आप डाल सकते हो, बट आज जो है संक्रांति है तो हम लोग ओनियन नहीं खाएंगे। तो आप चाहे तो ओनियन को स्किप भी कर सकते हो या डाल सकते हो, ओनियन डालने से अपम का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब डालने के बाद मैं ग्रेट किया हुआ इसमें गाजर डाल दूँगी यानी कैरेट, और कैरेट मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं ओनियन को स्किप कर दिया था। तो ओनियन और कैरेट और सारा वेजिटेबल डालने के बाद आपका अपम का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा हो जाता है और ये हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट के साथ, और आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे कुकर का कितना ज़्यादा स्टीम निकल रहा है, यानी जो पिठा है वो ऑलरेडी हो गई है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के 2-3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में पका लूँगी और उसके बाद में निकाल लूँगी। मिक्सर होने के बाद यहाँ पर मैंने मिक्सर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर रवा में यानी सूजी में इस मिक्सर को डाल दूँगी, साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी 1/2 कप दही यानी कर्ड, और कर्ड इस तरह से मेजर करके मैं डाल रही हूँ, अगर मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ यानी रवा ले रही हूँ तो 1/2 कप मैं इसमें दही डालती हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ, और नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि रवा जो है पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और रवा जो है पानी डालने के बाद थोड़ा सा फूल भी जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा पानी के साथ
डाल के फिर 15 to 20 minutes के लिए उसको ढक के छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑयल का पिठा है ये ऑलरेडी हो गई है, तो इस तरह से दिखता है, बिल्कुल केक की तरह दिखता है। और जो पीछे का साइड है वो इस तरह से ब्लैक होता है क्योंकि हम लोग चावल का आटा यूज़ किए थे, तो चावल का आटा जो है जब थोड़ा सा गर्म होता है तो ब्लैक पड़ जाता है। और ये पिठा का खासियत ये है कि ये ब्लैक होता है क्योंकि इसको हम लोग पोड़ पिठा बोलते हैं, तो पोड़ो मीन्स ब्लैक यानी जला हुआ, और जला हुआ पिठा बोल सकते हो। तो इस तरह से ये पिठा बन के रेडी होता है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो कितना सॉफ्ट होता है। तो अभी जो ये मिक्सचर हो गई है तो मैं इसमें पानी और भी थोड़ा डाल दूँगी क्योंकि मैंने पानी और भी दिया था और पानी जो है सूजी अच्छे से ऑब्जर्व कर देता है, सूजी यानी रवा। और इसको डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी इनो डाल दूँगी। इनो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाफ टी स्पून, करीबन हाफ टी स्पून मैं इनो डाल दूँगी और इमिडिएटली ही अपम पैन में इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ पका लूँगी। इसको तो आप सभी को पता है अपम पैन कितना ईजी होता है डालने के लिए। अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो आप इसको डोसा की तरह भी डायरेक्ट तवा पे भी बनाकर खा सकते हो, और ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। तो आप ये मेरी रेसिपी को प्लीज़ ट्राई करना, और पिठा का रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये मेरी सिस्टर इन लॉ का रेसिपी था। तो अगर आप ट्राई करके मुझे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देंगे तो मैं उनको भी बोलूँगी कि दीदी तुम्हारा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये थी आज का दो रेसिपी, तो होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं अभी के घर, मीन्स मैं आपको बोली थी मेरे यहाँ पर एक फ्रेंड हो गई है, तो ये जो पिठा मैंने बनाई थी स्वीट डिश तो उनको देने के लिए अभी जा रही हूँ। तो हस्बैंड जो है अभी नीचे जिम में है, तो चलिए जल्दी से उनके घर थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। तो ये है घी वाला हमारा उड़ीसा की अल्टरनेटिंग पोड़ो पिठा, और ये देखिए कितना अच्छे से ये कलर आया है और बिल्कुल केक की तरह ये दिखता है, बट टेस्ट जो है केक से भी और ज़्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं आज यहाँ पर क्या क्या कुक किया है। तो यहाँ पर मैंने अपम बनाया है खाने के लिए, और साथ ही साथ रोटी बनाया है क्योंकि सब लोग के लिए अपम बनाना पॉसिबल नहीं था, बहुत ही टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। तो और ये जो है ये मटर पनीर और आलू की सब्जी है, तो इसको हम लोग अभी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये दो रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये दो रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई करना, और इस रेसिपी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर करना। आई होप ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।